दो बज चुका है और इधर जंगल की तरफ आ गए हैं, और एक सामान जो है ये गांव में छूट गया है, तो अभी विनोद लाने के लिए गया है मोटरसाइकिल से, तो यहीं पर अभी हम लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है? हैं, आपको नहीं दिखाएंगे क्या चीज़ की आवाज़ आ रही है। और देखिए कितना जंगल है यहाँ पर, चोरी डकैती भी होता है, पर अब क्या करें, मजबूरी में भी जंगल में फंसे हुए हैं। हम लोग की बाइक की जो तेल है वो ही ख़त्म हो गई है। देखिए दोस्तों, अभी जंगल से हम लोग होकर गुजर रहे थे, यहाँ पर देखिए एक जो है मुर्गा है, हम लोग को खुला मिला है, पता नहीं किसका यहाँ पर खुल के छूटा हुआ है। इसको हम लोग वीडियो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग से ये बच के भागने की कोशिश कर रहा है, ये देखिए। पकड़ो ने लेके चलेंगे घर, तो वीडियो कर रहा है, भी भाग गया जंगल के अंदर ना। देखो तो बोले काहे लागे, हम साइलेंट वीडियो बनाए लागल, देखो झाड़ी में घुस रहा है। जीत का पानी खून गया गाइस, अभी हम लोग का एक जो है साथी है पीछे छूट गया है, उसका इंतजार कर रहे हैं। मिला है? इधर का था, गुल 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 पावा, 1 रुपया का लाने दे, चांदा वाला काचा हला है तबरी का, यहाँ पैकेट ले ले लिए। ये देखते दोस्तों, ऐसे इसको दिखाते रखे हैं। कच्चा बादाम काहे दिखा रहा है रे? अच्छा लीजिए पक्का बादाम। कौन कंपनी के तेल लागो? हमारे एफ तो के जेने कौन सी अच्छी के उगी ना, जो भी मिल ले सोनू निगम के। सुनने और का पाव से गिरा है यहां वेदर में, बहुत सारे लोग हैं इस दिन हमरा गाड़ी है। दोस्तों आज जन्नत में आ गए हैं। लोग बोलते हैं कि हमारे इंडिया का जो कश्मीर है वो धरती का स्वर्ग है, लेकिन हमारे झारखंड में भी धरती का स्वर्ग है, और आज जहां पर हम लोग अभी हैं वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। एक बार आपको दिखाते हैं, ये देखिए कुछ दिख रहा है, इधर देखिए और इधर देखिए, वाह। और आपको बता दें, इधर एक टावर दिख रहा है जो हमारे घर के प्लॉट में है, उस टावर से होते हुए इधर एक टावर दिख रहा है, इधर से होते हुए इधर जंगल से होते हुए इधर आ गए हैं, और यहाँ पर आके अभी हम लोग पता नहीं मरेंगे तो स्वर्ग है भी कि नहीं है, कोई ठिकाना नहीं, लेकिन साक्षात आज हमारे सामने स्वर्ग दिख रहा है। ये देखिए इधर कितना घना जंगल है, और जंगल के बीचों बीच आज हम लोग पधारे हैं। तीन टिकट महाविकट, उधर विनोद है कुछ जंगल में खोज रहा है, इधर प्रकाश बाबू जो है ट्राइपॉड के साथ और मोबाइल के साथ में जो है छेड़ रहे हैं, बैग पानी सारा चीज़ लेके आए हैं, और यहाँ तक आने में हम लोगों के पसीने छूट गए। इधर सामने में भी एक पहाड़ है, वहाँ पर भी जाया जा सकता है, पर अब हम लोग के पास इतनी हिम्मत नहीं बची है कि हम लोग यहाँ पर ट्रैकिंग कर सके। विनोद क्या हो रहा है? पत्थर तलाश रहे हैं किस काम के लिए? चूल्हा बनाने के लिए। चलो कोई नहीं, ये पहाड़ और ऊंचा है दोस्तों,
और इधर से रास्ता भी है, चढ़ा जा सकता है, लेकिन हम लोग का जो आज आसियाना है यहीं तक रहने वाला है। और यहाँ से अगर हम लोग किसी तरह से लुढ़क गए या स्लिप हो गए तो ये देख सकते हैं कि कितनी इसमें खड़ी ढाल है और कहीं रुकावट नहीं है, पेड़ भी नहीं है, सीधा जो है हम लोग नीचे जा कर के रुकेंगे और हड्डी पसली कुछ भी नहीं बचेगा। हड्डियाँ तो बचेंगी लेकिन हड्डियों में लगा मांस हमारा जो है वो छील के ही पत्थरों के बीच में ही समाप्त हो जाएगा। ये देखिए, अरे दिखा रहे हैं जी, बहुत अच्छा है, पिकनिके मनाने आए हैं। हाँ हाँ, मेरा घर के बगल में एक पहाड़ नहीं है, अरे यहाँ बहुत अच्छा, अरे गिराइएगा नहीं जी। अरे बहुत सॉलिड नजारा है जी, आइएगा रियल में तब ना। हाँ तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश जो है प्याज को छील रहा है और इधर चाकू हम लोग लेके आए हैं। और तो और बताएं आप लोग को कि हमारे पास जो है काटने के लिए ये एक छोटी सी चाकू है जिसको छुरी आप बोल सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर बर्तन के नाम पर कुछ भी नहीं है, केवल मसाले जो है घर से हमने पीस के लाए हुए हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। ये देखिए, तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने ऊंचे पहाड़ में हम लोग क्या करने आए हैं। पहाड़ में हम लोग कुछ मकसद से आए हैं, ये दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अगर यहाँ से लुढ़क जाएंगे तो हम लोग का क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। शाम का 4:30 बज चुका है, इधर देखिए पहाड़ों में सूरज छिप भी चुका है और हमारा जो चिकन है वो पक गया है। ये देखिए, हम लोग साथ में ब्रेड लेके आए हैं और बीच में चिकन जो है हमने पत्तों में रखा हुआ है और इसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन बना है। आग भी हमने बुझा दिया है ताकि आग जो है जंगल में कहीं फैले नहीं, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे घास फूस है, अगर छोटा सा भी तिनका छूटता है तो पूरा जंगल में आग लग जाएगा। तो इसको जो है पानी लगा के सारा जो है आग को हमने बुझा दिया है। और यहाँ पर देखिए दो दो कैमरे चल रहे हैं, टाइम लैप्स वगैरह, और विनोद बाबू इधर हैं और इधर हम लोग जो है चिकन के खाने का आनंद ले रहे हैं। कैसा बना है प्रकाश? बहुत ही टेस्टी बना है ना। और ये देखिए, आपको तो दिखा ही दिए थे आसपास का व्यू, पहले चिकन खाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोग को बाद में। विनोद बाबू जो है अपना मुँह जो है गाँव की तरफ कर रखे हैं, क्या बात है, उधर क्या देख रहे हो? इसलिए मैं इधर मुंह रखा हूँ, शहरों में लोग 10 तल्ले 20 तल्ले में रहते हैं और कुछ ऐसा ही नज़ारा शहर को देखते होंगे। हमारे नसीब में नहीं है कि हम उस फ्लैट में जाके रहूँ, 10 मंजिला हो 20 मंजिला हो, पर हमारा नेचुरल यह जो फ्लैट है यानी पहाड़, यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा अनुभव फील हो रहा है कि ऐसा ही वो लोग भी नज़ारा देखते होंगे। मैं इधर वही नज़ारा को देखते हुए चिकन का मज़ा ले रहा हूँ। बोलियो ना, है ना, आवाज नहीं करी।
दोनों पहाड़ के बीचों बीच खेतों में से चल रहे हैं। और अभी जो है हम लोग वो चिकनाहट वाली जो पत्थर है वहाँ पर चढ़े थे और फाइनली हम लोग घर वापस लौट रहे हैं। और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।